हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्यूरियस कोडर्स पे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्कैनफ फंक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना गाइस वीडियो देखने के बाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हमारे बिना किसी देरी के। तो मैं अपना कोड लिखने जा रहा हूँ, यहाँ मैं लिखूँगा हैश इंक्लूड और अपनी पहली हेडर फाइल stdio.h और अब मेन फंक्शन, क्योंकि हमारे सारे प्रोग्राम मेन के अंदर लिखे जाते हैं। और अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, लेट अस से एक्स। तो गाइस वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक लोकेशन होता है जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। तो यहाँ मैंने एक एक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है और अब मैं यहाँ मैसेज प्रिंट कराऊँगा एंटर योर एज। तो इसे एक्स हटा के एज ही कर देते हैं, तो ये मैंने कर दिया। और लास्ट में लाइन टर्मिनेट करने के लिए सेमी कॉलन, तो ये मेरा मैसेज प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे एंटर योर एज। तो अगली लाइन में मैं वो फंक्शन लिखने वाला हूँ जो पहले से बना हुआ है, जिससे हम वेरिएबल को स्कैन करते हैं, उसका नाम है स्कैनफ। अब गाइस देखो, यहाँ जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप के लिए यूज़ होता है %d कॉमा %m अपने वेरिएबल का नेम और फिर सेमी कॉलन। तो ये लाइन करेगी क्या, जो यहाँ मैंने लाइन में %d लिखा है ये बताएगा कि हमें एक इंटीजर वेरिएबल को, इंटीजर वैल्यू को स्कैन करना है, ठीक है। अब कॉमा के बाद लिखा है %m ऑपरेटर, %m जो होगा वो कराएगा रेफरेंस उस वेरिएबल के अंदर, यानी जो हम वहाँ लिखेंगे ना स्क्रीन पे वो एज वेरिएबल में रेफरेंस होकर सेव हो जाएगा। अब मैं यहाँ से प्रोग्राम पूरा करके सेव करके आपको रन करके दिखाता हूँ। एंटर योर एज मैंने डाल दी 19 और अब मैं एंटर करूँगा तो प्रोसेस एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि वो सेव हो गया है हमारे एज वेरिएबल के अंदर। अब आप कहोगे यार तू तो पागल बना रहा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं आपको ये प्रिंट करके भी दिखाऊंगा कि मतलब वो एज के अंदर है भी या नहीं। तो ये फंक्शन मैंने हटा दिया, अब मैं इसे रन करके दिखाऊंगा, तब भी सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई वो नहीं आ रहा जिसमें मैं एज डाल सकूँ, कोई ब्लिंक नहीं हो रहा है कर्सर। तो अब मैं आपको ये प्रिंट करके दिखाऊंगा यहाँ पे जो मैंने एज के अंदर सेव किया है। तो मैं यूज़ करूँगा printf का, printf और ब्रैकेट। अब गाइस यहाँ पे है देखने वाली बात, माई एज इज़। अब %d ने उसे बताया था कि इंटीजर वैल्यू आएगी, तो यहाँ भी %d का यूज़ होगा और इंटीजर वैल्यू ही आएगी। अब वहाँ हमने %m का यूज़ करके उसे रेफरेंस कराया था एज के अंदर, तो यहाँ मैं %m हटा दूँगा और सिंपल लिखूँगा एज। तो इसका मतलब ये होगा कि जो एज के अंदर है वो वहाँ पर शो होगा %d की जगह, और %m हटा दिया तो वो डी रेफरेंस हो जाएगा। अब मैं इसे रन करूँगा सेव करके। तो ये मैंने किया Ctrl+S और रन। अब मैं यहाँ डालूँगा 19, तो ये लिख देगा माई एज इज़ 9। तो अब तो आप मानते हैं ना कि एज के अंदर 19 स्टोर हुआ था और वो शो भी हो रहा है। तो गाइस ये थी हमारी छोटी सी वीडियो स्कैनफ फंक्शन के ऊपर। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ज़रूर।